पाकिस्तान का कल जो इंग्लैंड से मैच हुआ रो पिट के जो है पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 रन से जीता, वो भी आखिरी ओवर तक मैच गया और एक टाइम पे इंग्लैंड को सिर्फ 5 रन चाहिए थे। वो तो आरिफ रऊफ का भला हो जिसने 2 बॉलों पे 2 आउट कर दिए और हमारे स्पिनरों का भला हो क्योंकि ये स्कोर बहुत कम था 160+। 80 रन का 80 हमने 10 ओवरों में 80 स्कोर बनाया। 97 में आई थिंक बाबर आजम आउट हुआ और उसको समझाया भाई तेरे से हिटिंग नहीं होती, तू ऊंचे शॉट ही मार सकता, तो क्लासिक ड्राइवे मारा कर क्योंकि मिडल ऑर्डर है नहीं, तो मिडल ऑर्डर भी तू लेके चला कर। जब तुम लोगों ने जिद की है कि ओपनर आना है तो एंड तक खेला करो क्योंकि बाद में जो निकम्मे आते हैं उनमें से कभी कभार जो है वो आसिफ जो है वो कभी कभार 1-2 छक्के यानी कि उससे ज़्यादा उसकी पावर नहीं है, 2 छक्के मार के वो चले जाते हैं, तो उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हमारे मिडल ऑर्डर में, सुपर फेलियर है। और बरकत के लिए कुछ प्लेयर रखे हुए हैं या दोस्ती यारियाँ हैं। और शेब अख्तर साहब आपके बारे में सही कहते हैं कि आप कवर ड्राइवे मारा करो, आप ऊंची शॉटें बाउंड्रियों में इस तरह मार के आउट ना करो, आपका जो कैलिपर है उसके मुताबिक आप आउट हुआ करो। कभी कभार तो आप ऐसे रखते हैं कि आपका ये कैलिपर ही नहीं है, आप इस तरह के जुगोगरी किस्म के शॉट मार के आप आउट हो जाते हैं। वो तो फारिस रऊफ अल्लाह ताला की रहमत और बरकत है कि अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली है, मतलब जिस तरह हम जीते हैं अगर आप लोग उसमें भी खुश हो तो अल्लाह ही नगर माने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की इस जीत पे आप लोग खुश हो। 160+ आपसे स्कोर हुआ है, आखिरी 10 ओवरों में आपने वही अपना सिस्टम बनाया, 80+ या 80 स्कोर करते हो, तो आसिफ ने आखिरी जो है 20 ओवरों 2 छक्के मार के कुछ स्कोर अच्छा कर दिया, फिर हारिस रऊफ की बॉलिंग और स्पिनरों की बॉलिंग, उसनैन जो है रन देने की मशीन है, वो मिडल ऑर्डर आपके पास नहीं है, ओपनिंग में आप दोनों ने कसम खाई हुई कि आप दोनों ने ओपनर आना है, इनमें से किसी ने भी वन डाउन नहीं आना, ना फ़खर को ओपनिंग करने देनी है ना शजीर खान को टीम में आना देना है। यही आप लोग अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। मुल्क के लिए सोचो भाई, मुल्क के लिए सोचो, जिस तरह आप इंग्लैंड के खिलाफ जीते हो, जिस तरह आपकी फास्ट बॉलिंग पिट रही है, और अल्लाह ही निगरबान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।